हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेरी गेमिंग। तो भाई आज अपने पास है अपना नया आईपैड प्रो 21 मॉडल और ये अपना पुराना आईपैड एयर 3। तो हम इनकी जो है पबजी टेस्ट और वो स्पीड टेस्ट वगैरह कुछ करेंगे। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये दोनों जो है वो सेम वाईफाई से कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हैं दोनों ये सेम वाईफाई से कनेक्टेड है, आईफोन से कनेक्टेड है और इनमें बैकग्राउंड में कुछ भी रनिंग नहीं है दोनों में। आप देख सकते हैं ये सेटिंग वाला, इसको भी मैं करके रिमूव कर दे रहा हूँ। तो भाई अब पबजी स्टार्ट करेंगे, देखते हैं किसी में पास खुलता है। तो भाई ओबीसी इस आईपैड प्रो में ही वो जो फास्ट खुलेगा क्योंकि इसमें वर्ल्ड की जो सबसे फास्टेस्ट चिप है वन, थोड़ा नेटवर्क का भी इश्यू रहता है इसलिए वो भी मैटर करता है उसको ओपन करने में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें खुल गया है यहाँ तक, ये भी कुछ कम नहीं है, पीछे पीछे ये भी दौड़ा आ रहा है। आईपैड एयर 3 भी फास्ट है भाई, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिला, बस 2-3 सेकंड का डिफरेंस शायद रहा होगा इसमें। भाई बीच में क्यों इंटरप्शन करूँगा यार, अगर किसी ने मेरा आईपैड प्रो वाला जो अनबॉक्सिंग वाला जो वीडियो वो नहीं देखा है तो भाई उसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ यार उसको भी देख लेना यार और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना भाई वीडियो को प्लीज़ यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो भाई आप देख सकते हैं कि आईपैड प्रो 21 मॉडल जो है वो इतना ज़्यादा भी फास्ट नहीं है इससे आईपैड एयर 3 से। तो भाई अभी आप हम ग्राफिक सेटिंग देखेंगे, तो यहाँ पे ग्राफिक चेक कर लेते हैं। तो भाई ये स्मूथ प्लस 90 FPS पे रन करता है अपना जो आईपैड प्रो 21 मॉडल है अभी वो वाला, और बैलेंस पे एक्सट्रीम पर HD में अल्ट्रा पर और HDR में भी अल्ट्रा पर, और ये HD अभी डाउनलोड नहीं है, अल्ट्रा HDR वो दोनों में सेम रन करता है। और वहाँ ये अपना आईपैड एयर 3 है वो स्मूथ में एक्सट्रीम में ब्लेंस्ड में भी एक्सट्रीम पर और HD में अल्ट्रा और HDR में, मतलब लगभग सेम ही है इसकी, बस इसमें स्मूथ में हमें 90 FPS देखने को मिलता है। तो हमें 90 FPS पर नहीं जाऊंगा, दोनों को सेम रखूंगा और फिर हम इनका पबजी टेस्ट करेंगे। तो भाई जैसा कि मैंने पहले बोला था, इनकी जो ब्राइटनेस लेवल और वो सब कुछ है वो बराबर कर देता हूँ, फुल कर देता हूँ एकदम, तो इससे कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, इसकी जितनी है वो रहेगी। तो अब दोनों की बराबर है, तो अभी मैं इसको इनवाइट कर लेता हूँ यहाँ पे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं FPS टेस्ट। जो ग्राफिक सेटिंग है आपने देखा, मैंने बिल्कुल सेम रखी है इसमें, दोनों में बिल्कुल लगभग सेम ही खुला है, इसमें थोड़ा 1-2 सेकंड का पास खुला है इसमें आईपैड में प्रो में, ज़्यादा कुछ डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिला भाई। दोनों की स्क्रीन्स हैं वो एकदम ब्राइट लग रही है, हाथ चिपक रहे हैं थोड़े। अरे भाई इसको लेफ्ट साइड ले जाना पड़ेगा, पहले मैं इनको नंगा कर देता हूँ यार, इसकी बैक पैक कहाँ है। तो इसको भी अब हम करेंगे भाई टेस्ट, दोनों में 60 FPS पे किया हुआ है मैंने सेटिंग को और वेस्ट पे एम करेंगे अपन, और बिल्कुल सेम ही है लगभग। तो स्टार्ट करते हैं, 3-2-1 गो। अरे भाई बहुत अजीब ही सीन देखने को मिला, आईपैड प्रो ने बीट कर दिया, लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा। तो भाई आप देख सकते हैं आईपैड प्रो ने बीट कर दिया है, दोनों में पिंग भी सेम चल रही है 96 की। चलो भाई फिर से वेस्ट पे जो है वो एम करते हैं और स्टार्ट करते हैं, 3-2-1 गो। ओ भाई फिर से बीट कर दिया भाई, देखो यार इसकी आईपैड प्रो में आप देख सकते हैं इसकी वेस्ट है ही नहीं, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी भाई इसने इसको बीट कर दिया है आईपैड एयर 3 को, और मैंने ग्राफिक्स भी बिल्कुल सेम रखा है।
तो भाई आपने देखा कि यार कैसे iPad Pro ने जो iPad Air 3 को बीट कर दिया। ओबियसली वो तो होना ही था क्योंकि यार iPad Pro में जो M1 चिप है जो वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट चिप है, और फिर भी भाई ओवरऑल iPad Air 3 भी बहुत ही गजब का डिवाइस है, मैं इसको भी रिकमेंड करूँगा। तो भाई आपको अगर और ऐसे मज़ेदार वीडियो चाहिए तो प्लीज़ यार बता देना, कमेंट कर देना, और भाई यार वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना चैनल को, और भाई मैं ऐसे और मज़ेदार वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार।